हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल आज हम करने जा रहे हैं क्लास एट्थ का सैम्पल पेपर वन जो कि है एसएसटी का और ये है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो पेपर जो है वो आपका कुछ इस तरीके का आएगा टाइमिंग आपको जो है वो टू आवर्स की दी जाएगी टोटल पेपर जो है आपका फोर्टी मार्क्स का होगा जो खंड एक है ठीक है वो आपका जो है वो वन वन मार्क्स के थ्री क्वेश्चन होंगे तो टोटल तो जो है वो थ्री मार्क्स का हो गया जो खंड दो है वहां पे आपको टेन क्वेश्चन दिए जाएंगे और ये टोटल जो है वो ट्वेंटी मार्क्स के हो जो खंड तीन है ठीक है यहाँ पर जो है वो हर क्वेश्चन जो है वो थ्री मार्क्स के पूछे जाएंगे और आपने जो है वो थ्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो टोटल ये नाइन मार्क्स का आपका खंड तीन है खंड चार जो है वो स्त्रोत आधारित प्रश्न है यानी आपके बुक से कोई पैराग्राफ जो है वो ले लिया जाएगा उसी के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसका आंसर आपको इसी के अंदर से मिल जाएगा ठीक है इसमें भी आपसे तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे तीनों जो है वो एक एक नंबर के आंसर्स होंगे तो टोटल जो है वो खंड चार जो है वो भी तीन मार्क्स का है खंड पांच जो है उसमें आपको जो है वो मानचित्र यानी कि मैप फिलिंग का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आपसे आठ चीजें पूछी जाएंगी जिसमें से आपने सिर्फ पांच चीजें जो है वो बतानी है ठीक है और ये टोटल जो है वो फाइव मार्क्स का होगा तो आइए अब इसके सॉल्यूशंस जो है वो देख लेते हैं आपदा किसे कहा जाता है तो मनुष्य को अपने जीवन में प्रकृति तथा अपने आप द्वारा पैदा किए गए खतरों का सामना करना पड़ता है जब यह खतरे मनुष्य के लिए घातक बन जाते हैं तो इन्हें आपदा तो मनुष्य को बहुत बहुत प्रकृति जो है वो चुनौतियां देता है जैसे कि कभी जो है वो भूचाल आ जाता है कभी जो है वो सुनामी आ जाती है ठीक है या फिर कभी जो है वो उसके अपने द्वारा जो उसके लिए खतरा पैदा हो जाता है जैसे बड़े बड़े जो है वो डैम बनाता है जब डैम टूट जाए तो जो है वो काफी जो है वो नुकसान हो सकता है तो आप जो है वो कह सकते हो कि आपदा आप किसे कहा जाता है जिससे काफी ज्यादा जान या माल की जो है वो आ, नुकसान होता है ठीक है तो जब यह खतरा मनुष्य के लिए जो है घातक बन जाए तो मतलब उसकी जिंदगी पर बना है तो, तो वहां वो वो जो है आपदा कहलाता है भारतीय रियासतों के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है तो जो भारतीय जो रियासत है उसको इकट्ठा जो है वो किसने किया ठीक है तो हमारे जो पहले भारत के जो है वो गृह मंत्री थे यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने जो है भारतीय रियासतों को एकीकरण दिया और उन्हीं को इसका श्रेय जो है वो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब राज्य में से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं तो राज्य जो है पंजाब राज्य की बात करें तो छह साल की अवधि के लिए सात सदस्यों का चुनाव जो है वो करता है यानी कि राज्यसभा में पंजाब से सात सदस्य जो है वो चुने जाते हैं सेक्शन बी ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत क्या है तो गैर पारंपरिक स्रोतों को ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के रूप में भी जाना जाता है ठीक है मतलब कि जो चीज जो है वो आप कह सकते हैं रिन्यू हो सके यानी कि जो कभी खत्म ना हो ठीक है तो इसके अंतर्गत आ जाता है आपका सौर ऊर्जा यानी कि जो सूरज से ऊर्जा मिलती है जैव ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा ठीक है टाइडल एनर्जी पवन ऊर्जा यानी कि जो विंड एनर्जी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ आने के मुख्य क्या कारण है तो बाढ़ आने का जो है क्या क्या कारण होते हैं या तो बहुत ज्यादा बारिश हो जाए तो बाढ़ आ सकती है तेज चक्रवात आता है या बादल जो है वो फट जाते हैं पानी के निकास का ठीक प्रबंधन ना होना मतलब जो पानी जहाँ से भी जो है वो उसका रास्ता है पानी मार्ग जो है पानी के निकलने का अगर वो ठीक तरीके से ना बनाया गया हो तो हो जाता है बांध अगर टूट जाए तो बाढ़ आ सकती है इसके अलावा नदियों तथा दरियाओं के तल पर मिट्टी का अगर जमाव हो जाएगा ठीक है उसकी जो बेस है उसके अगर मिट्टी का जमाव हो जाएगा तो पानी जो है वो ऊपर फ्लो कर जाएगा और बाढ़ जो है वो आ सकती है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है चक्रवात क्या होते हैं ठीक है, है? यहाँ पे भी हमने पढ़ा ना चक्रवात इन्हें किस किस नाम से पुकारा जाता है जो तो जब हवा की जो है वो तेज हवा होती है जिनकी गति जो है वो 63 किलोमीटर प्रति घंटा या ज्यादा होती है तो इसे जो है वो चक्रवात कहा जाता है ये हवा के कम दबाव से पैदा होता है ठीक है इसके जो है अन्य नाम जो है वो क्या क्या है उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन नाम से बुलाया जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया में इसे टाइफून नाम से बुलाया जाता है वहीं पे भारत में इसे आंधी या तूफान के नाम से जाना जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आधुनिक शिक्षा प्रणाली के क्षेत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती के योगदान की व्याख्या कीजिए ठीक है कि उन्होंने शिक्षा प्रणाली में जो आज का मॉडर्न एजुकेशन है उसमें किस तरीके से उनका जो है वो योगदान है तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे वो संस्कृत और वैदिक शिक्षा के यानी कि उनको वेदों का भी ज्ञान था उसके साथ साथ वो पश्चिमी शिक्षा यानी कि वेस्टर्न एजुकेशन के भी समर्थक थे वो उसको भी जो है वो अच्छा मानते थे इस उन्होंने भारत के विभिन्न भागों विशेष रूप से पंजाब और उत्तर प्रदेश में बहुत से स्कूलों कॉलेजों और गुरुकुलों की स्थापना की थी ठीक है 1886 ईस्वी में उनके देहांत के बाद लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो खोला गया कहा पर खोला गया था जब उनकी डेथ हो गई थी तो लाहौर के अंदर जो है वो दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो खोला गया 1889 एटी ईस्वी में इस स्कूल के साथ दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना भी की गई तो उसी के तीन साल बाद जो है वो कॉलेज जो है वो भी बना दिया गया था यहाँ विद्यार्थियों को हिंदू साहित्य संस्कृत भाषा तथा वेदों की शिक्षा जो है वो दी जाती थी बाद में होशियारपुर जलंधर तथा कानपुर में भी डीएवी स्कूल तथा कॉलेज जो है वो खोले गए ठीक है तो यहां पर जो है वो डीएवी स्कूल्स खोले गए मेरठ में स्वामी दयानंद जी की याद में कन्या महाविद्यालय जो है वो स्थापित किया गया और मेरठ में जो है वो कन्या महाविद्यालय ठीक है ठीके? जो गर्ल्स हाई स्कूल्स होते हैं वो जो है वो स्टेब्लिश किए गए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है राजा राम मोहन राय द्वारा स्त्रियों के उद्धार से संबंधित दिए गए योगदान का संक्षिप्त वर्णन करो तो राजा राम मोहन रॉय ने स्त्रियों को किस तरीके से जो है वो हेल्प करी थी या कह सकते हो किस तरीके से उद्धार करने में उस, उनका क्या योगदान है तो राजा राम मोहन रॉय जो है एक महान समाज सुधारक थे ठीक है उनका जो है वो मानना था कि जब तक उन्नति नहीं कर सकता मतलब कह सकते समाज जो है वो तब तक उन्नति नहीं कर सकता जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार जो है वो नहीं दिए जाते ठीक है क्यों क्योंकि दोनों जो है वो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट दोनों की पॉपुलेशन है अगर एक को आप ज्यादा अधिकार देते वो दूसरों के कम दोगे तो समाज जो है वो उन्नति नहीं कर पाएगा उन्होंने समाज में से सती प्रथा को समाप्त करने के लिए भी प्रचार किया ठीक है तो पहला तो योगदान क्या थी पहला आप पॉइंट के अकॉर्डिंग इसको याद करो ठीक है उनके अकॉर्डिंग पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार जो है वो दोगे तभी समाज जो है वो उन्नति करेगा ठीक है दूसरा उन्होंने सती प्रथा जो है उस पर रोक लगाई तीसरा उन्होंने विलियम बेंटिक की सरकार को विश्वास दिलाया कि सती प्रथा का कि प्राचीन धार्मिक शास्त्रों में कोई स्थान नहीं है ठीक है कि धर्म के नाम पर इसको जो है वो सती प्रथा को लेने की जो है वो जरूरत नहीं है उन्होंने तर्क एवं प्रयत्नों उनके जो मतलब कि उन्होंने कोशिश की जो अपने उन्होंने तर्क दिए उसकी वजह से 1829 ट्वेंटी में सती प्रथा जो कानून है उस पर रोक लगा दी थी ठीक है उन्होंने महिलाओं की भलाई के लिए कई लेख लिखे उन्होंने बाल विवाह बहु विवाह ठीक है बाल विवाह जिसमें की जो है वो Uh, बाल विवाह बच्चों का विवाह हो जाता है ठीक है बहु विवाह यानी कि एक ही पुरुष के जो है वो एक से ज्यादा जो है वो विवाह होते हैं उनकी बुराई करी यहां तक कि उन्होंने कन्यावध जो बच्चों को जो है जो फीमेल चाइल्ड होती है उनको मार दिया जाता था उसका भी इन्होंने विरोध किया उन्होंने पर्दा प्रथा को महिला विकास के मार्ग में बाधा बताते हुए उसके विरुद्ध भी आवाज उठाई इसके अलावा उन्होंने पर्दा प्रथा के खिलाफ भी जो है वो आवाज उठाई इसके अलावा उन्होंने नारी शिक्षा का जो है वो प्रसार किया ठीक है और विधवा विवाह के पक्ष में थे ये यानी कि अगर कोई लड़की जो है वो जो है वो मतलब विधवा हो जाती है तो उसका जो है वो पुनर्विवाह जो है वो किया जाना चाहिए उन्होंने महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार दिए जाने पर बल दिया मतलब उनका मानना था कि जो उनके पिता की संपत्ति है उसमें महिलाओं का भी बराबर जो है वो हक होता है और उसमें जो है वो उसको हक मिलना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर सालिंगम को वर्तमान आंध्र प्रदेश के पैगंबर जो है वो क्यों कहा जाता है तो वीर सालिंगम जो है वो एक महान जो है वो समाज सुधारक थे ठीक है समाज सुधारक होने के साथ साथ वो एक महान विद्वान भी थे क्योंकि वो चीजों को अच्छी तरीके से समझ सकते थे उन्होंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ते समय ही समाज में प्रचलित खोखले रीति रिवाजों तथा धार्मिक विश्वासों की निंदा की ठीक है तो जो खोखले रीति रिवाज है यानी जिनके पीछे कोई ठोस जो है वो आधार नहीं होता और हम ऐसे ही जो है वो रीति रिवाजों को मानते चले जाते उनके खिलाफ भी उसने जो है वो क्वेश्चन किया उसको जो है वो समझने की कोशिश की क्यों रीति रिवाज जो है वो इस तरीके से आए और उनकी जो है वो अगर खोखले थे तो तो रीति रिवाज उनकी जो है वो बुराई की जब ये स्कूल में जो है वो टीचर बन गए तो उन्होंने महिलाओं को पुरुषों के बराबर जो है वो अधिकार दिलाने की ये संघर्ष जो है वो कोशिश की ठीक है संघर्ष आरंभ कर दिया उन्होंने अंतर जाती वो अंतर जातीय विवाह के पक्ष में थे ठीक है इसके अलावा उन्होंने जाति प्रथा की कड़ी निंदा की और छुआछूत समाप्त करने के लिए प्रचार किया तो जाति प्रथा को खत्म करने के लिए जो है वो उसकी बुराई की और छुआछूत जो है उसको खत्म करवा दिया वीर सालिंगम जो है एक समाज सुधारक भी थे विद्वान भी थे और एक प्रसिद्ध लेखक भी थे ठीक है उन्होंने अपने लेखों तथा नाटकों के माध्यम से जाति प्रथा समाप्त करने के लिए प्रचार किया वे पिछड़े वर्गों एवं निर्धन वर्गों की सदा सहायता करते थे तो महिलाओं के फेवर में तो थे ही ठीक है इसके अलावा वो पिछड़े वर्गों को भी ध्यान में रखते थे और जो गरीब लोगों हैं उनकी भी जो है वो सहायता किया करते थे उन्होंने बालकों व बालिकाओं की अति अल्प आयु में यानी कि आप कह सकते हो बाल विवाह की जो प्रथा थी उसके विरुद्ध भी उन्होंने कड़ा संघर्ष किया और इन्होंने भी राजा राम मोहन रॉय की तरह विधवा पुनर्विवाह को कानूनी का, मतलब उसको जो है उसके फेवर में थे विधवा पुनर्विवाह के और इनकी सहायता से कानूनी मान्यता जो है वो उसको मतलब दिला पाए ठीक है कि विधवा पुनर्विवाह जो है वो होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं तो देखो उपनिवेशवाद क्या होता है इसका अर्थ होता है जब कोई भी एक कंट्री या कोई भी एक देश कह सकते वो दूसरे देश पर या काफी सारे देशों पर राजनीतिक तौर पर ठीक है यानी कि उसकी राजनीति में हस्तक्षेप करेगा आर्थिक तौर पर उसकी इकोनॉमी में हस्तक्षेप करेगा सामाजिक नियंत्रण रखता है ठीक है उसकी समाज में जो है वो नियंत्रण रखता है तो उस चीज को जो है वो उपनिवेशवाद बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनहित मुकदमा यानी कि पी क्या है तो जनहित मुकदमा जो है वो सरकार के किसी भी विभाग के लिए या कोई अधिकारी या संस्था के विरुद्ध जो है वो दायर किया जा सकता है ठीक है इसका संबंध जो है वो सार्वजनिक यानी कि सबकी भलाई के लिए होना चाहिए ठीक है ये हम निजी हितों के लिए अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए हम जनहित जो है मुकदमा वो दायर नहीं कर सकते जनहित मुकदमेबाजी के शरण जो है वो निजी हितों के लिए नहीं की जा सकती ऐसे केसों की के पैरवी सरकारी वकीलों द्वारा ही की जाती है ठीक है जो पी आई एल जो है वो दायर किया जाता है जब तो सरकारी वकील जो है वो ही जो है वो इसकी पैरवी जो है वो कर सकते नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायपालिका किसको कहते हैं तो न्यायपालिका जो है वो सरकार का वह अंग होता है जो कि न्याय करता है ठीक है यह संविधान तथा मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है और कानून का उल्लंघन करने वाले को दंड देता है तो जो भी कानून के हिसाब से जो है वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता उनको जो है वो दंडित किया जाता है सामाजिक असमानताओं से आप क्या समझते हैं तो ये वर्ड को देखो आप अगर तोड़ोगे तो पता चल जाएगा आपको सामाजिक असमानता यानी समाज में समानता ना होना तो किस किस आधार पर समाज में समानता जो है वो नहीं होती धर्म के आधार पर के आधार पर पंथ के आधार पर तो इसको हम सामाजिक समानता जो है असमानता जो है वो कह सकते हैं सेक्शन सी इसमें सिर्फ आपने थ्री क्वेश्चन है पंजाब में कपास उत्पादन पर एक नोट लिखें तो देखो पंजाब और हरियाणा दोनों को अगर हम मिला दें तो जितना भी हमारा देश जो है वो कॉटन यानी कि कपास जो है उसका उत्पादन करता है उसका 25 परसेंट तो सिर्फ ये दो स्टेट्स ही कर देते हैं राज्य के कपास उत्पादन करने वाले मुख्य जिले जो है वो कौन कौन से हैं भटिंडा फिरोजपुर और संगरूर ठीक है पंजाब में बीटी कॉटन बीज के बहुत अच्छे परिणाम रहे हैं बीटी कॉटन जो उसका जो है वो बीज यूज किया जाता है उसका काफी रिजल्ट जो है वो अच्छा रहा है और मालवा जो क्षेत्र है ठीक है उसको जो है वो सफेद सोना भी कहा जाता है या श्वेत सोना कहा जाता है क्यों कॉटन कौ की वजह से ठीक है तो क्योंकि यहाँ पर अच्छे किस्म के जो है वो कॉटन उगाए जाते हैं कपास जो है वो उगाई जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है है कृषि कृषि कितने प्रकार की सघन और विशाल में अंतर लिखो तो देखो कृषि जो है वो स्थायी कृषि होती है परमानेंट जो कि एक ही जगह पर जो है वो की जाएगी एक साल में एक ही तरीके की खेती बार बार की जाएगी फिर स्थानांतरित कृषि होता है जिसमें एक एरिया पर जो है वो मतलब कि उपज उगाई फिर जब वो जमीन बंजर हो जाती है फिर आगे जो है वो जंगलों को काट के फिर वहां पे जो है वो खेती की जाती है फिर जब वो जमीन बंजर हो जाएगी फिर आगे चल जाते हैं ठीक है इससे जो है वो एनवायरमेंट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है फिर होता है शुष्क कृषि यानी कि ड्राई फार्मिंग तो जहाँ पे जो है वो ड्राई एरिया है जैसे राजस्थान वगैरह यहाँ पर जो है पानी की जो है कमी होती है वहां पर शुष्क कृषि की जाती है यहाँ पे इस तरीके की चीजों को उगाया जाता है जिसके लिए कि पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होती फिर है नमी वाले क्षेत्र तो ये जहां पर पानी जो है वो मतलब कि बरसात के ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है मतलब बरसात जो है वो हो सकती है तो वहां पर जो है वो नमी वाली कृषि की जाती है फिर इंटेंसिव फार्मिंग और एक्सटेंसिव फार्मिंग सघल कृषि और विशाल कृषि इन दोनों को हम आगे एक्सप्लेन जो है वो करेंगे ठीक है मिश्रित कृषि इसमें एक ही जमीन पर जो है वो काफी अलग अलग किस्म की जो है वो चीजें जो है वो उगाई जाती है बागवानी कृषि हॉर्टिकल्चर यानी यहाँ पर जो है वो एक पर्टिकुलर वैरायटी के जो है वो फ्लावर्स उगाए जाते हैं फ्रूट उगाए जाते हैं वेजिटेबल उगाए जाते हैं प्राइवेट और इंडिविजुअल एग्रीकल्चर निजी कृषि तो यहाँ पर अपने खपत के लिए जो है वो चीजों का उत्पादन जो है वो किया जाता है कोऑपरेटिव फार्मिंग सहकारी कृषि क्या एक दूसरे का सहयोग देकर जो है वो खेती की जाती है ठीक है लेकिन जो भी उपज आएगी तो जिस जिसकी जितनी जमीन होगी उन सबकी उतनी ही उपज रहेगी सांझी कृषि में क्या होता है कि आपस में जो है वो सारे जो है वो एक ही उसको बड़ी सी जमीन मान लेते हैं ठीक है ठीके? बड़े बड़े जो किसान है वो आपस में मिल जाते हैं लेबर वगैरह वहां पे उनके वर्क करता है तो यहाँ पर जो है जो मतलब की प्रोडक्शन होगा वो सबका जो है वो साझा होगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर तो यह बागती कृषि बागानी कृषि होता है ठीक है इसके अंदर क्या होता है कि मतलब कि जो चीज जो है वो बेचने के लिए पूरे साल भर वहां पर उसी तरीके की खेती की जाती है जैसे कि चाय हो गया कॉफी हो गया ठीक है और इससे इकोनॉमिक प्रॉफिट होता है नेक्स्ट होता है यहाँ पर आपका आत्मनिर्भर निर्भरता कृषि ठीक है तो ये एक तरीके की कृषि हो गई और दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग कमर्शियल फार्मिंग में बेचने के लिए चीजों को उत्पादन जो है वो किया जाता है जबकि आत्मनिर्भर जो है कृषि है उसमें क्या होता है कि चीजों को मतलब की खुद जो है वो हम कहीं और से बाहर से सामान ना मंगवाना पड़े इसलिए जो है आत्मनिर्भर जो है वो

सघन कृषि में सिंचाई साधनों तथा उर्वरकों के प्रयोग से उत्पादन जो है वो बढ़ाया जाता है ठीक है तो जो सिंचाई साधन है वो और उर्वरक जो है वो उसका इस्तेमाल किया जाएगा जबकि बड़े खेतों के आकार में जो है वो मशीनों का जो है वो उपयोग जो है वो किया जाता है बड़े जो है वो खेत है तो वहां पर जो है वो पॉसिबल नहीं है कि जो है वो उर्वरक या सिंचाई साधन के जो है वो साधनों को यूज करते बड़ी बड़ी मशीनें होती है इसके लिए सघन कृषि भारत के पंजाब राज्य में की जाती है जबकि विशाल कृषि जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के बड़े बड़े खेतों में की जाती है ठीक है सघन कृषि पंजाब में और जो विशाल कृषि है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में की जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइमन कमीशन पर एक टिप्पणी लिखी है तो साइमन कमीशन क्या है उसकी नियुक्ति जो है वो 1928 इशू में की गई थी और इसे जो है वो 1919 के सुधार अधिनियम की जांच के लिए जो है वो भारत भेजा गया था ठीक है और किसने भेजा था ब्रिटिश सरकार ने इस आयोग में ना टोटल सेवन सदस्य थे और उसमें से कोई भी एक भारतीय नहीं था भारत के लिए जो है वो कानून बनाया जा रहा है लेकिन उसमें कोई भारतीय नहीं है तो इसके खिलाफ जो है काफी लोग जो है वो मतलब की धरने पर बैठ गए थे उन्होंने जो है वो काले झंडे दिखाए और साइमन गो बैक के जो है वो नारे लगाए गए ठीक है

नेक्स्ट क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन पर एक नोट लिखो तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके पश्चात जो है वो संसार जो है वो दो गुटों में बट गया था ठीक है एक तो था जो कि जिसे कि पश्चिमी ब्लॉक बोला जाता है और ये अमेरिका का गुट था ठीक है और दूसरा जो है वो यूएसएसआर यानी रशिया का गुट था और इसे जो है वो पूर्वी ब्लॉक बोला जाता है तो इनके बीच ना हमेशा शीत युद्ध जो है वो लग, मतलब कह सकते हो कि चलता रहता था ठीक है शीत युद्ध में क्या होता है सीधे डायरेक्ट तौर पे लड़ाई नहीं होती मतलब कि पर एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है अंदर ठीक है तो एक दूसरे का बुरा ही चाहते हैं तो नाटो और वारसा जैसी संधियां जो है वो इनके बीच समझौते के कारण वातावरण जो है इसकी वजह से और भी ज्यादा जो है वो तनावपूर्ण बन गया अब भारत को भी जो है वो आजादी जो है वो उस टाइम में ही मिली थी तो भारत अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जो है वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहता था ठीक है इसलिए उसने दूसरे देशों के साथ मिलकर नॉन अलाइन मूवमेंट यानी गुट निरपेक्ष निरपेक्ष सापेक्ष जिसको उसका साथ दे दोगे ठीक है निरपेक्ष उसका साथ नहीं दोगे किसी भी गुट में आप शामिल नहीं होंगे तो नॉन अलाइन मूवमेंट की जो है वो शुरुआत की गई और इस आंदोलन के पितामा मतलब कि जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था वो थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू युगोस्लाविया के राष्ट्रपति टीटो और मिश्र के राष्ट्रपति नासिर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद की स्थिति को मजबूत करने के लिए जरूरी सुझाव दो कि संसद की स्थिति जो जो आज गिरती जा जा रही है 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 उसको किस तरीके से मजबूत वो बनाया जा सकता है? तो उद, कोई भी कानून जो है वो उचित चर्चा के बाद ही जो है वो पारित किया जाना चाहिए ठीक है जो स्पीकर होता है वो किसी एक दल का होता है ठीक है उसे जो है वो तटस्थ रहना चाहिए मतलब कि अपने पार्टी को जो है वो ज्यादा फेवर ना करे ठीक है सबके लिए एक जैसा रहे वो नेक्स्ट है संसद सदस्यों को संसद की बैठक में उपस्थित होना चाहिए अब हम क्या देखते हैं मीटिंग्स चल रही होती है संसद की बट जो है मेंबर्स वहां पे होते ही नहीं है ठीक है तो संसद की जो है वो उसमें मतलब कि जो उसके मेंबर्स है उनका होना भी जरूरी है बैठकों की संख्या जो है वो बढ़ाई जानी चाहिए लिमिटेड जो है वो बहुत बार कम बहुत कम मीटिंग होती है आप कह सकते हो तो उसकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए कि मैं तो यही करना है ऐसा नहीं होना चाहिए लोगों की भलाई के लिए काम करने के लिए आप लोग आए हो वहां पर है ना जो लीडर्स आते हैं वो लोगों की भलाई के लिए आते हैं नेक्स्ट है स्थिर सरकारें बननी चाहिए सरकारें अगर किसी भी कंट्री में बार बार अगर गिरती है तो वहां पर एक मजबूत जो है वो संसद की स्थिति नहीं बन सकती ठीक है कोई कानून जो है वो सही तरीके से पारित नहीं होगा तो इस करके जो है, जो है है वो वो संसद में आप कह सकते हो कि सरकार है उन्हें स्थिर रहना चाहिए सेक्शन डी अब आपका स्टार्ट हो गया है ठीक है ये स्रोत आधारित प्रश्न है आप पहले पैराग्राफ पढ़िएगा ठीक है आप उसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप अपने आप आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी तो गदर पार्टी की स्थापना जो है वो सैन फ्रांसिस्को यानी कि अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी ने किस अखबार की शुरुआत की थी गदर पार्टी ने गदर अखबार की जो है वो शुरुआत की थी गदर पार्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया ठीक है तो गदर पार्टी का अध्यक्ष जो है वो सोहन सिंह भकना को जो है वो चुना गया अब सेक्शन ई आपका मैप पॉइंटिंग है ठीक है मैंने जो है वो आपको टोटल एट पॉइंट जो है वो बताए हैं मैप में बट आपने सिर्फ फाइव जो है वो अटेम्प्ट करने हैं ठीक है कॉपर ठीक है तो कॉपर जो है वो यानी कि तांबा वो कहाँ पर मिलता है तो बालाघाट ठीक है और अलवर में मिलता है अलवर कहाँ है राजस्थान और ये हो गया आपका मध्य प्रदेश लौह अयस्क यानी कि जो कच्चा लोहा होता है वो कहा मिलता है दुर्ग में और यहाँ पर आपका आ जाता है सिंहभूम ठीक है स्वर्ण यानी कि सोना जो है वो कहाँ मिलता है स्वर्ण मिलता है हट्टी और कोलार में आपको तो सिर्फ कोई एक पॉइंट जो भी आपको याद रहे सिर्फ एक जगह जो है वो दर्शानी है या बतानी है मैंगनीज जो है वो कहाँ मिलता है तो वो बालाघाट में मिल जाएगा और यहाँ पर कालाहांडी में मिल जाएगा ठीक है नेक्स्ट आपसे पूछा गया है चाय चावल और गेहूं जो है वो बताइए तो देखो यहाँ पर आपको पंजाब से लेकर बिहार तर... चावल और गेहूं दोनों चीजें मिल जाएंगी ठीक है तो आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट जो है वो मार्क कर सकते हो ठीक है इसके अलावा जो है वेस्ट बंगाल में आपको सिर्फ जो है वो चावल जो है उसकी खेती मिलेगी असम जो है असम की असम की चाय फेमस है ना तो असम में जो है वो आप चाय जो है वो दिखा सकते हो इसके अलावा जो चावल है वो तमिलनाडु में मिल जाएगा तो यहाँ पर आपका जो सैंपल पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है इनकेस कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए आपको रिप्लाई मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच